So friends, we are coming back to the electronics part of basic electrical and electronics engineering. So we will be covering the electronics part. We will be covering solids and semiconductor devices. The solids and semiconductor devices, इसमें हम थोड़ा सा basic पढ़ेंगे. Electrical conductivity क्या होती है? Semiconductors किसको कहते हैं? Diodes and transistor क्या होते हैं? So electrical conductivity अगर देखा जाए तो कुछ हमें पहले से ही आइडिया है, तो उसमें हम चार कैटेगरीज बना चुके हैं आज की डेट में. सुपर कंडक्टर्स वेयर सर्टेन मटेरियल्स हैव जीरो रेजिस्टिविटी एट वेरी लो टेम्परेचर. जीरो रेजिस्टिव, कोई रेजिस्टेंस नहीं देते करंट को, जितना ही करंट आता है उतना तेजी से उसको फ्लो कर देते हैं. कंडक्टर्स मटेरियल्स कैपेबल ऑफ कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट विच हैज मोबाइल चार्ज कैरियर्स, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं तो वो अपने थ्रू करंट को अच्छी तरह पास होने देते हैं. इंसुलेटर्स क्या होते हैं? मटेरियल्स विद नो और वेरी फ्यू फ्री चार्ज कैरियर्स, उसमें इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं. ज्यादातर वो होते हैं कोवेलेंट या आयनिक सॉलिड्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं और प्लास्टिक्स होते हैं, तो ये करंट को मूव नहीं करने देते थ्रू देम. सेमीकंडक्टर्स हैव कंडक्टिविटी बिटवीन दैट ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स. नॉर्मली ये है जर्मेनियम जीई से शो किया जाता है एंड सिलिकॉन एसआई, और कुछ इसमें कंपाउंड्स हैं वो हम आगे डिस्कस भी करेंगे. तो एनर्जी बैंड क्या होता है? इन सॉलिड मटेरियल इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल फॉर्म्स बैंड ऑफ अलाउड एनर्जी. हमें पता है कि कुछ वैलेंसी के उनके चक्र होते हैं, एंड में आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है उनका. तो वैलेंस बैंड जो है, अगर वो फील्ड है पूरा का पूरा, दैट मींस हमें एक फार्मूला होता है, आपको याद होगा 2n स्क्वायर. तो n जो है वो हमारा उसका n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट, nth नंबर है और लास्ट वाले में 8 होने चाहिए. तो अगर वो फील्ड है पूरा का पूरा तो ऑल स्टेट्स आर ऑक्यूपाइड. एंड कंडक्शन बैंड नेक्स्ट हाईएस्ट बैंड टू वैलेंस बैंड, उससे थोड़ा नीचे होता है जो एम्प्टी या पार्शली फील्ड होता है. तो पॉलीज प्रिंसिपल क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन्स इन ए कम्प्लीटली फिल्ड बैंड कैन नॉट मूव सिंस ऑल स्टेट्स आर ऑक्यूपाइड. द ओनली वे टू मूव वुड बी टू जंप इनटू नेक्स्ट हायर बैंड, दैट मींस इट नीड्स एनर्जी. बट इलेक्ट्रॉन्स इन पार्टली फिल्ड बैंड, अगर वैलेंस का जो बैंड है वो आधा भरा हुआ है तो उसको मूव कर सकते हैं, लेकिन अगर पूरा है तो दूसरे उसको जंप करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, दैट मींस वो नहीं मूव करेगा ज्यादातर. मेनी मटेरियल सच एज मोस्ट मेटल अलाउ इलेक्ट्रिक करंट, दीज आर नोन एज कंडक्टर्स. मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिकल करंट, दे आर इंसुलेटर्स. बट प्योर सिलिकॉन द बेस मटेरियल ऑफ मोस्ट ट्रांजिस्टर, जितने आईसी वगैरह हमें दिखते हैं उसमें सिलिकॉन होता है, जो रेत जिसको कहते हैं, सैंड जिसको कहते हैं. इट इज कंसिडर्ड एज सेमीकंडक्टर बिकॉज इट्स conductivity can be modulated by introduction of impurities. उसमें कुछ impurities अगर मिला दी जाए तो उसकी conductivity बढ़ाई जा सकती है. तो यहाँ पे देखिए कि हर metal या material का एक क्या होता है, एक valence band होता है और एक conduction band होता है. तो insulator का क्या होता है कि इसमें gap बहुत होता है, conduction band और insulator का जो valence band है उनके बीच में एनर्जी गैप इतना होता है, लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है. मेटल्स में क्या होता है, वो दोनों आपस में ओवरलैप कर रहे होते हैं. कंडक्शन बैंड है और इधर वैलेंस बैंड है, ये ओवरलैप होता है. ये आपका एक एक नंबर का क्वेश्चन भी है. सेमीकंडक्टर में एक छोटा सा गैप होता है, उसको एनर्जी गैप कहते हैं. वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है और उसमें एक साइड में होल्स होते हैं और दूसरी साइड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो बहुत कम करंट उसमें से पास हो सकता है. इंसुलेटर्स में गैप इज इक्वल टू फॉरबिडन रेंज में 3 से लेकर जो होता है वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. सेमीकंडक्टर्स में गैप इज स्मॉल, 0.1 से लेकर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और कंडक्टर्स में पार्शली फिल्ड होता है तो उसमें जो है वो ओवरलैप ही ज्यादातर होता है एक दूसरे के ऊपर. तो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो सिंगल हैं जो सेमीकंडक्टर्स हैं. कंपाउंड में गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फॉस्फाइड, एल्युमिनियम आर्सेनाइड, एल्युमिनियम फॉस्फाइड एंड इंडियम फॉस्फाइड, ये होते हैं कंपाउंड में. तो इसमें क्या है कि अब अगर इसको थोड़ा सा हम समझाएं तो सिलिकॉन के 4 इक्विडिस्टेंस नियर नेबर्स होते हैं बाहर, क्योंकि 8 होने चाहिए लेकिन उसके बाहर 4 होते हैं, बाहर वाले सेल में 4 होते हैं. तो ये 4
अपने आप को पूरा कैसे करते हैं, वो साथ वाले जितने भी एटम्स होते हैं उनका शेयर कर लेते हैं टेट्राहेड्रॉन में। ये देखिए, ये एक है, इसके ये चार खाली घूम रहे हैं, तो ये दो इधर हैं, दो इधर हैं, ये क्या करेगा, दो इधर वालों से शेयर कर लेगा, दो इधर वालों का खुद का ले लेगा, तो अपना ये कंप्लीट हो जाता है, इसका अपना ये आठ हो जाएंगे। इसी तरह से ये अगर देखा जाए तो दो दो चार, दो छह, दो आठ, ये बीच वाला देखिए कंप्लीट है, तो ये बीच वाला जो है अपने आप कंप्लीट हो जाएगा, एक दूसरे के साथ कोवलेंट कोवलेंसी, एक दूसरे की वैलेंसी शेयर करके आपस में बॉन्ड बना के उसको यूज करके बॉन्ड बन जाता है। सेमीकंडक्टर फॉर एग्जांपल सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हैज चार इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर शेल, दो इन एस सब शेल और दो इन पी सब शेल, चार है, चार में से दो एक सब शेल में, छोटे शेल में, और दो अगले में है। तो अब चार पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स इन द लोअर बैंड वैलेंस में होते हैं और चार ही होते हैं इन अपर बैंड कंडक्शन बैंड में, तो इसका मतलब ये जो है आपस में इसका एनर्जी बैंड जो है वो लगभग एक के करीब है। तो सिलिकॉन दैट इज फ्री ऑफ डोपिंग इम्प्योरिटी, डोपिंग मीन्स कुछ मिक्स नहीं किया गया, डोपिंग मीन्स कुछ मिक्स करना, इट्स कॉल्ड इंट्रिंसिक। अब हम बात करें कि सेमीकंडक्टर कितनी तरह के होते हैं, हम दो तरह के होते हैं, वन इज इंट्रिंसिक एंड अदर इज एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक की बात करें, सिलिकॉन हैज ए वैलेंस ऑफ फोर एंड फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड विद फोर अदर नेबरिंग सिलिकॉन एटम, आसपास वालों के साथ शेयर कर लेता है वैलेंसी। ये देखिए उसको समझाया गया दोबारा से कि किस तरह से कंडक्टर में ओवरलैप हो रहा था, सेमीकंडक्टर में थोड़ा दूर होता है और इंसुलेटर में बहुत दूर होते हैं दोनों, ये मैंने पहले ही समझा दिया आपको। तो सेमीकंडक्टर है मॉडरेट एनर्जी गैप्स। अब इसमें क्या होता है, अब जैसे ये है तो थोड़ा सा इसका टेम्परेचर जब बढ़ाना शुरू करते हैं इंट्रिंसिक वाले का, तो क्या होता है कि यहां से एक जो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसको एनर्जी मिलती है, हीट मीन्स एनर्जी, एनर्जी मिलती है, तो वो जंप करता है यहाँ से जो हमारा गैप है उसके थ्रू जंप करके वैलेंस वाले बैंड में जंप कर जाता है, कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड पे जंप कर जाता है। और इसी तरह से क्या होता है, एक होल जो है, होल जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वहां पे होल क्रिएट हो जाएगा, होल की पॉजिटिव मान लें कि उसका जो कंडक्शन है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत थोड़े थोड़े, अगर इंट्रिंसिक है तो उसमें बहुत थोड़ी थोड़ी कंडक्शन होती है, टेम्परेचर सिर्फ बढ़ाने से हो सकती है, लेकिन अगर उसमें डोपिंग या इम्प्योरिटीज बढ़ा दी जाए तो इम्प्योरिटीज कैसे कैसे बढ़ाई जाती हैं, तो कुछ उसमें तेजी से इलेक्ट्रॉन्स या एक्स्ट्रा होल मिलने शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट विद फाइव आउटर इलेक्ट्रॉन एक मिला दिया जाए तो वो क्या करेगा, पांच हैं उसके तो होना तो चाहिए, या चाहिए कि चार 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 है तो वो चार तो उसके साथ शेयर कर देता है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फेंक देता है रस्ते में, तो वो डोनर डोनर कहलाता है, डोनर डोपेंट। लेकिन तीन वाला अगर मिलेगा तो वो क्या करता है, वो सिलिकॉन में से चार ले लेगा, इधर वाले से भी ले लेगा, तो वो एक्सेप्ट करना, तो उसको एक्सेप्टर डोपेंट कहा जाता है। तो फॉस्फोर एंड आर्सेनिक ये जो है डोनर डोपेंट है, तो देखिए ये यहाँ पे है जैसे रेड कलर का, तो ये डोनर है, इफ फॉस्फोर इज इंट्रोड्यूस एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव अराउंड, और वो क्या करता है, वो बीच में शरारतें करता रहता है, इलेक्ट्रॉन जो घूमता होता है, इसलिए उसको एन टाइप सिलिकॉन कहा जाता है, जहां पे समटाइम यूज प्लस सिंबल टू इंडिकेट हैवियर डोपिंग, सो एन प्लस सिलिकॉन भी कहा जाता है। फॉस्फोर बिकम्स पॉजिटिव आयन आफ्टर गिविंग अप इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसके पास पांच है तो पांच होने के बाद वो एक दे देता है तो वो पॉजिटिव आयन बन जाता है, एक नेगेटिव निकल गया तो पॉजिटिव बन जाता है। और दूसरा क्या है, बोरोन जैसे तीन इलेक्ट्रॉन वाला है तो वो क्या करता है, वो ऊपर से खींच लेता है तो एक्सेप्टर टाइप बन जाता है, तो एक्सेप्टर में क्या होता है, वो एक होल हो जाता है वहां से, तो जब नेगेटिव एक निकल गया उसमें से तो पॉजिटिव वाला बन गया, तो इसलिए उसको पी टाइप सिलिकॉन कहते हैं, और बोरोन खुद जो है वो नेगेटिव बन जाता है। तो ये कुछ उसके हमने पॉइंट्स बताए हुए हैं, लेकिन मैं अभी इसकी डिटेल्स में नहीं जाता। तो इंट्रिंसिक में देखिए तो कैसे हायर टेम्परेचर भी हो रहा है, हायर टेम्परेचर पे एक एक इस तरह से जंप करता है, एक जगह से दूसरी जगह जंप करता है, वहां पे होल हो जाता है और वो धीरे धीरे कंडक्शन बैंड में चलना शुरू हो जाता है। लेकिन ये एन टाइप और पी टाइप में क्या है, यहाँ पे एक कोई एक्स्ट्रा हमने लगा दिया, तो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि कैसे होना है,
तो वहां पे या पॉजिटिव या पी टाइप या एन टाइप बन जाता है। ये भी मैं समझा चुका हूं कि बैंड गैप एनर्जी गैप जो है वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स। डोनर टाइप में 5 वैलेंस बैंड होते हैं और एन टाइप में उसको इसलिए वो एन टाइप सेमीकंडक्टर कहलाता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा इसका इलेक्ट्रॉन फ्लो बताया हुआ कि किस तरह से चलेगा। एन टाइप में यहाँ नेगेटिव से ये पॉजिटिव की तरफ इस तरह से मूव होगा। एक्सेप्टर टाइप में क्या होगा कि यहाँ पे ये वाले चलेंगे। देखिए इसमें 3 होंगे, बोरॉन, एल्युमिनियम और गैलियम और इंडियम। ये वाले जो है ये पी टाइप की इंप्योरिटीज बनाएंगे। तो देखा जाए तो हमने एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर बना दिया, एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर बना दिया। और जब इनको जोड़ दिया जाता है देन इट बिकम्स पीएन जंक्शन, जिसको कि हम डायोड भी कहते हैं। पीएन जंक्शन इज फॉर्म्ड एट बाउंड्री बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप, दोनों को जोड़ दिया गया, क्रिएटेड इन ए सिंगल क्रिस्टल ऑफ सेमीकंडक्टर बाय डोपिंग, एक दूसरे के साथ मिक्स कर दिया गया। टर्म डायोड, डाई डाई मींस टू इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड को कहा गया है। एरो इंडिकेशन इसका देखिए सिंबल ये है, एनोड से चलता है और कैथोड की तरफ जाता है, तो ये सिंबल है डायोड का। एरो इंडिकेशन डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, इस तरफ से एनोड से कैथोड की तरफ चलता है। तो एक पी टाइप का है, पी पॉजिटिव एन नेगेटिव। अब क्या होता है कि जब इनको जोड़ दिया जाता है तो क्या होता है कि कुछ टाइम में एक दूसरे के अंदर जो जंप करना शुरू कर देते हैं। एक टाइम में पी पी साइड के हैं और दूसरी साइड में नेगेटिव टाइप के हैं, तो वो क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन जंप करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जंप करते ही क्या होगा, वहां पे जैसे इधर से पी गया तो यहाँ पे एक नेगेटिव हो गया, ठीक है, और इधर से नेगेटिव गया तो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। तो एक बीच में रेंज बन जाती है, एक लेयर बन जाती है, विच इज नोन एज डिप्लीशन रीजन, स्पेस चार्ज रीजन। वो क्या करती है, क्योंकि इधर से वो जैसे ही नेगेटिव बनता है तो इधर वो नेगेटिव साइड में जा नहीं पाएगा। तो दैट मीन्स कुछ ऐसा टाइम होता है जहां पे बैरियर पोटेंशियल या जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में, इधर भी है, इधर पॉजिटिव बहुत ज्यादा है, इस पर इधर नेगेटिव बहुत ज्यादा है, लेकिन वो एक दूसरे के बीच में नहीं जा पाते क्योंकि बीच में एक पोटेंशियल, एक बैरियर बीच में क्रिएट हो गया है जो कि इधर से उधर नहीं जाने देता। पॉजिटिव को पॉजिटिव रिपेल करता है, वापस भेज देता है कि नहीं भाई इधर पास नहीं होना। ये देखिए यहाँ पे अब पॉजिटिव है तो ये एक जंक्शन बीच में आ गया, ठीक है, ये पॉजिटिव। अब बीच में पॉजिटिव इधर जाने की अगर कोशिश करेगा तो ये पॉजिटिव लेयर बीच में, नेगेटिव अगर इधर आने की कोशिश करेगी तो ये नेगेटिव लेयर बीच में उसको रोक देगी। होल फ्री इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन। तो अब क्या करते हैं, इसको बायसिंग करते हैं। बायसिंग मींस नॉर्मली इट प्रिवेंट्स द करंट टू फ्लो थ्रू इट। बायसिंग मींस कि अब उसको करंट फ्लो करवाना है हमने। तो करंट फ्लो कैसे करते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू पी टाइप एंड नेगेटिव टर्मिनल टू एन टाइप, प्लस पोटेंशियल रिपेल्स होल। तो अब क्या है, उसको मेजोरिटी ऑफ द कैरियर्स उसको फॉरवर्ड बायस में करेंगे, तो ये जो करंट है ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव करेंगे, तो ये जो है आपस में इसमें करंट मूव होना शुरू हो जाएगा। रिवर्स बायसिंग में उल्टा होता है, नेगेटिव जो टर्मिनल है वो पी को होगा और पॉजिटिव एन टाइप को। लेकिन ये भी क्या करेगा, ये बैरियर विड्थ को इंक्रीज करेगा, करंट फ्लो तो एग्जैक्टली जीरो नहीं होगा लेकिन धीरे धीरे वो मूव करेगा। लेकिन अगर जब दूसरी साइड में मूव करेगा तो वो दूसरी साइड में, आपको पता कि एसी जो है एक में पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती है, एक नेगेटिव डायरेक्शन में, तो जब नेगेटिव में जाएगी तो वो कंडक्ट करेगा, पॉजिटिव में कंडक्ट नहीं करेगा। दिस इज रिवर्स बायसिंग। इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है ये देखिए, फॉरवर्ड बायसिंग में इस तरह से एक टाइम तक धीरे धीरे वो कंडक्ट करेगा, रिवर्स में यहां तक नहीं करेगा लेकिन एक लिमिट आएगी जब वोल्टेज के बाद एकदम ब्रेक डाउन हो जाएगा तो वहां से वो कंडक्ट करना शुरू करेगा। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, बाईपोलर दो पोल वाले जंक्शन ट्रांजिस्टर, बीजेटी कहते हैं। तो हम ट्रांजिस्टर बनाते हैं, उसमें थ्री डोप्ड रीजन करते हैं। दीज रीजन एसेंशियली फॉर्म टू बैक पीएन जंक्शन, दो एक दूसरे के साथ बैक टू बैक जंक्शन को जोड़ देते हैं। तो तब हम ये बनाते हैं जो कि यूज होते हैं, इट कैन बी यूज एज स्विच इन लॉजिक सर्किट, जो आगे स्विच वगैरह हम यूज करते हैं। अब इसमें तीन डेफिनेशन थोड़ी याद कर लीजिए, एक बेस है, एक एमिटर है, एक कलेक्टर है।
तो जैसे हम नलका खोलते हैं तो एमिटर आने वाला रास्ता है, कलेक्टर जाने वाला रास्ता है। तो यहाँ पे देखिए सी ई बी, बी क्या है उसको कंट्रोल करता है कि कितना पानी या करंट फ्लो होना चाहिए। तो ये बी इज बेस, एमिटर भेजने वाला इनपुट, और कलेक्टर जहां पे करंट आना है। तो ये दो तरह के बनते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर उसका सिंबल ये वाला है, और पीएनपी ट्रांजिस्टर ये इस तरह का सिंबल है। तो बेस ये बीच में होगा एन, और ये इस तरह से सिंबल है इसका। तो मिडल रीजन बेस बहुत थिन होता है, पीएन जंक्शन। थ्री रीजंस आर एमिटर बेस कलेक्टर, ईबीसी, ये आपको याद रखना है। तो ये देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा है, हम ज्यादा इसकी डिटेल्स में नहीं जाते हैं। तो पीएनपी में बेस जो होता है एन होता है, और एनपीएन में बेस जो होता है वो पी वाला होता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे अब कैसे वो उसमें करंट फ्लो की डायरेक्शन देखनी है आपने। तो अगर एनपीएन है तो कलेक्टर से करंट चलेगा, और बेस जो है वो कंट्रोल करेगा और इसकी तरफ चलेगा। ठीक है, एनपीएन में क्या होता है, द एमिटर इज हैवीली डोप्ड और कलेक्टर इज एन टाइप, और बेस हमेशा लाइटली डोप्ड होता है। ठीक है, तो ये कुछ इसकी डिटेल्स हैं, वो ऑपरेशन आप समझ सकते हैं, लेकिन अभी के लिए आपको इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। ये इसके तीन कॉन्फ़िगरेशन है जो आपके पेपर में आ सकते हैं, एनपीएन का कॉमन एमिटर, एनपीएन का ही कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, और एनपीएन का ही कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर। ठीक है, दैट इज एनफ फॉर टुडे। थैंक्स, थैंक्स वेरी मच।